शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुवत् विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। जिस घर में मेरे नाम की तकदीर नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में लग गई। तो आज हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आज से कई वर्ष पहले कुछ महिलाओं ने इस कार्यक्रम का या इस उत्सव का शुरुआत सिर्फ इसलिए किया था कि जो ये लाई है कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरे नाम की तख्ती हो, मेरे काम को सम्मान मिले, मुझे भी बराबर का मान मिले, इस उपलक्ष्य में कुछ महिलाओं ने संघर्ष शुरू किया था। उसे दिन को याद करते हुए हर वर्ष 8 मार्च को ये कार्यक्रम आयोजित होता है, पूरे देश विश्व में मनाया जाता है। तू चुप होकर तो सहती रही, तू चुप होकर तो सहती रही, क्या देश बदला है? तू चुप होकर तो जो सहती रही, क्या देश बदला है? तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा। लड़का लड़की के भेदभाव को मिटाना है, बराबरी का अवसर पाना है। समाज की रूढ़ियों को तोड़ेंगे, बराबरी का नाता तोड़ेंगे। जिस तरह से लड़कों को खेलने के लिए पूरा मौका दिया जाता है, उसी तरह से लड़कियों को खेलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और अगर लड़कियों को खेलने का पूरा मौका मिल जाए तो वो समाज में और अपने देश का नाम ऊंचा कर सकती है। बाबुल प्यारे सजन सखा है, सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर की, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। आप ये बताइए, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और ये कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैं सोचती हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए मैं हमेशा आऊँ और दूसरों को हाँ ये कार्यक्रम देखूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का जो कार्यक्रम फारूक लाख में किया गया, आपको कैसा लगा? पढ़ने के बारे में जो बात बताई गई कि लड़के लड़कियों को बराबर पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में क्या सिखा आपने? हाँ, ये बात सही है, यहाँ पे लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, जो लड़के बन सकते हैं वो लड़कियाँ भी हो सकती होगी। अच्छा लगा, ठीक है, धन्यवाद। जो आप लोगों को कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। हम भारत के नागरिक, पूरे विश्व की ओर से, पूरे विश्व की ओर से, पूरे समाज की ओर से, पूरे समाज की ओर से, अपने घर वालों की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से यह प्रण लेते हैं कि समाज में बेटे और बेटियों को, बेटे और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खान पान में, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, बराबरी में, सबको बराबर